स्वागत है आप सभी का फिर से एक कमाल की न्यू वीडियो के अंदर। तो यार काफी दिन हो चुके हैं, मैंने अभी तक कोई भी अपडेट्स की वीडियो नहीं डाली है। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सीजन 19 के 1.4 अपडेट्स के सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो हाँ गाइस सारे फीचर, और गाइस सारे फीचर 100% कंफर्म है कि 1.4 के अंदर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा गाइस गेम फॉर पीस के बीटा वर्जन के अंदर भी काफी सारे न्यू अपडेट्स आए जो कि मैंने आप सभी को नहीं दिखाए थे। तो यार गेम फॉर पीस के जो वो अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी तो पबजी मोबाइल के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन गाइस इन फ्यूचर में जरूर आने वाले हैं। तो गाइस ये अपडेट भी काफी ज्यादा कमाल के, तो गाइस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस इस वीडियो के अंदर यूसी गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस उन बंदों को शॉर्ट आउट मिल जाएगा जिन्होंने यार पिछले वीडियो के अंदर करेक्ट आंसर दिया था। तो चलो यार बिना किसी देर के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 1.4 सीरीज का पहला अपडेट है C4 बम। तो गाइस ये जो C4 है हमें डेफिनेटली यार 1.4 के अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये जो फीचर है ना 1.3 के अंदर आ सकता था, लेकिन यार डैमेज बहुत ही ज्यादा होने के कारण और भी कुछ चेंजेस के कारण इसको जो है डिनाइड कर दिया 1.3 से। लेकिन गाइस 1.4 के अंदर हमें जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि गाइस इसके सारे बग्स वगैरह फिक्स कर दिए गए हैं। तब भी गाइस इसका जो डैमेज है और डैमेज की जो रेंज है वो नेट से ज्यादा रहने वाली, यानी कि ये जो वेपन है ना नेट से भी ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो कौन कौन वेट कर रहा है इस C4 बॉम्ब के लिए कमेंट में बताना मुझे गाइस। तो गाइस हमारा नेक्स्ट कंफर्म्ड अपडेट है MG3 LMG, यानी कि लाइट मशीन गन। तो गाइस ये भी 100% कंफर्म हो चुका है कि 1.4 के अंदर हमें गन देखने को मिल सकती है। और गाइस ये वाली गन को आप DP28 की बड़ी बहन भी कह सकते हो, बिकॉज गाइस इसकी जो फायरिंग रेट है और जो डैमेज है ना वो DP28 से थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा गाइस इसका जो डैमेज और फायर रेट है वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा इस गन के अंदर आप स्कोप के अलावा कोई भी अटैचमेंट नहीं लगा सकते, और गाइस यहाँ पर आप 6x तक स्कोप यूज कर सकते हो। और गाइस इसके अंदर जो एमओ यूज होने वाली है वो है 7.62 की एमओ। तो गाइस इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस इसका जो डैमेज है ना कितना ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा गाइस एक राउंड के अंदर इसमें 75 बुलेट्स लोड होती है, और गाइस 7.62 की एमओ के अंदर ये पहली ऐसी गन है जो कि सबसे ज्यादा बुलेट लोड करती है। इसके अलावा गाइस इस गन के अंदर आपको फायरिंग रेट को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जो RPM है अभी 660 पर सेट किया हुआ है। तो गाइस इससे जो आपका फायरिंग रेट है वो तो कम रहेगा, लेकिन साथ में आपका जो रिकॉइल है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप इस गन को सेट करते हो 990 RPM पर, तो गाइस आपका जो फायरिंग रेट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साथ में जो रिकॉइल होता है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस फायरिंग रेट का मतलब भी आपको बता देता हूँ। तो गाइस 990 RPM पर जो बुलेट फायरिंग है वो बहुत तेजी से होगी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बुलेट्स निकलती रहेगी। और गाइस जो आपकी गन रहेगी वो बहुत ही जल्दी खाली हो जाएगी। और इसी के अपोजिट में अगर आप 660 RPM पर चलाते हो तो गाइस आपके फायरिंग रेट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो गाइस ये थे इस गन के कमाल के फीचर। इसके अलावा गाइस ये जो गन है ना M249 को रिप्लेस करने वाली है 1.4 के अपडेट के अंदर, यानी कि गाइस M249 को ड्रॉप से निकाल दिया जाएगा और गाइस ड्रॉप के अंदर इस गन को ऐड किया जाने वाला है। तो चलो यार अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट 1.4 के अंदर M249 को ड्रॉप से रिमूव कर दिया जाएगा, और गाइस ये जो गन है आपको नॉर्मल लूट के साथ में ही मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस इस गन के अंदर आप एक्सटेंडेड मैग एंड जो है स्टॉक भी लगा सकते हो। और गाइस नॉर्मल अगर आप एक्सटेंडेड मैग इसके अंदर नहीं लगाते हो तो गाइस आपको 75 बुलेट लोड कर सकते हो M249 के अंदर, लेकिन गाइस अगर आप इसके अंदर एक्सटेंडेड मैग लगाते हो तो गाइस ये 150 बुलेट लोड करेगी, यानी कि अभी की M249 के मुकाबले 50 बुलेट ज्यादा लोड करने वाली है। इसके अलावा गाइस इस M249 के अंदर आप फास्ट रिलोड वाला मैग भी लगा सकते हो, जिसके चलते 2 सेकंड पहले ये रिलोड हो जाएगी। और गाइस M249 का जो रिलोडिंग टाइम है 1.4 के अंदर वही रहने वाला है, लेकिन गाइस इसका जो डैमेज है वो कम कर दिया जाएगा। और गाइस इसका जो स्पाउन रेट रहने वाला है जो कि DP28 की तरह ही रहेगा, जैसे कि हमें DP28 बहुत ही कम जगह पर मिलती है वैसे भी M249 हमें बहुत ही कम जगह पर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर गाइस। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है न्यू मैप कोड सी। तो गाइस यार हो सकता है फ्यूचर में यानी कि 1.4 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया जाए। वैसे गाइस ये जो मैप है 1.3 के अंदर आने वाला था, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। तो गाइस ये जो मैप है ना 1.4 के अंदर जरूर आएगा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट में गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का जो कोलैब होने वाला है पबजी मोबाइल के साथ में। वैसे गाइस यार कोलैब तो ग्लोबल वर्जन के 1.3 के अंदर अभी भी हो चुका है, लेकिन गाइस हमें काफी सारे फीचर जो है अभी तक देखने को नहीं मिले इस मूवी के। तो गाइस इसी कोलैब के चलते 1.4 के अंदर हमें जो गोडजिला है इरेंगल मैप के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस जो कॉन्ग स्कल आइलैंड में जो हमें मॉन्स्टर देखने को मिले थे, मतलब जो एनिमीज थे कॉन्ग के, तो गाइस वो सारे मॉन्स्टर भी हमें इरेंगल मैप के अंदर देखने को मिलने वाले हैं।
इसके अलावा गाइस इसी गॉडजिला मोड के अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे या फिर बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। तो गाइस ये जो बिल्डिंग्स है ना आपको प्रिजन के साइड में देखने को मिलने वाली है, हो सकता है इसकी जो लोकेशन हो रैंडम भी रहे। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको लेवल 3 की लूट मिलने वाली है जो कि यार सच में काफी ज्यादा ओपी है। इसके अलावा गाइस इस बिल्डिंग के अगर आप मिड वाले गोल्डन कप के पास जाते हो तो गाइस आपको यहाँ पर एक बटन आएगा, जैसे आप वो बटन प्रेस करते हो तो गाइस आपको यहाँ पर काफी सारी लूट मिलने वाली है। और गाइस काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बिल्डिंग के अंदर आपको लेवल 3 की लूट मिल जाए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। इसके अलावा गाइस इरेंगल मैप के अंदर गॉडजिला एक किनारे से निकलेगा इरेंगल मैप के और गाइस दूसरे किनारे तक जाने वाला है, यानी कि इसका रूट फिक्स रहने वाला है। लेकिन गाइस हो सकता है कि अलग अलग क्लासिक मैचेस के अंदर अलग अलग रैंडमली इसके जो रूट हो, यानी कि कभी इधर से निकले कभी उधर से जाए या फिर अलग अलग लोकेशन से जा सकता है। और गाइस यहाँ पर हमें काफी सारी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो गाइस आपको मैप के अंदर भी वही बिल्डिंग देखने को मिलेगी। वैसे गाइस ये गॉडजिला मोड के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो गाइस आप सीजन 19 का पार्ट 2 सकते हो, आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस कॉन्ग भी हमें देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल के अंदर, लेकिन ये सैनोक मैप के अंदर आने वाला है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस ये जो कॉन्ग मोड है ना इसका भी कंसेप्ट सिमिलर रहने वाला है गॉडजिला मोड से, यानी कि इसका भी रूट जो है फिक्स रहने वाला है। और गाइस इसके अंदर भी हमें जो मॉन्स्टर वगैरह देखने को मिलेंगे। और गाइस इतने नहीं, इन दोनों के अलावा एक और टाइटन भी है जिसका नाम है मेगा गॉडजिला। और गाइस ये जो मेगा गॉडजिला है हमें लिविक मैप के अंदर देखने को मिलने वाला है। और गाइस ये मेगा गॉडजिला कॉन्ग और गॉडजिला दोनों का दुश्मन है। और गाइस इसकी भी पूरी वीडियो आपको कॉन्ग वाले मोड में ही मिल जाएगी, वीडियो के लास्ट में आप चाहें तो देख सकते हो। लेकिन गाइस इन तीनों मोड में जैसे कि मेगा गॉडजिला मोड एंड कॉन्ग मोड, इन तीनों में आपको अलग अलग पावर मिलने वाली है। अब गाइस वो पावर कैसे यूज कर सकते हो और कैसे दिखती है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये पावर है मेगा गॉडजिला की पावर। तो गाइस जब भी मेगा गॉडजिला स्क्रीम करेगा यानी कि चिल्लाएगा तो गाइस रेड कलर की पावर आपके पास में या फिर कहीं पर भी मैप के अंदर रैंडमली जाकर गिर जाएगी। और गाइस ये जो स्टोन है, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हो, इसको यूज करने के बाद आपके मैप के अंदर एक ब्लू कलर का जो मार्क आ जाएगा जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब गाइस ये जो ब्लू कलर का एरिया है इसके अंदर जो भी एनिमीज आएगा ना गाइस, तो गाइस उसके सिर पर एक मार्क आ जाएगा या फिर वो एनिमी इजीली हमें शो होने लगेगा ग्रास के अंदर या फिर पेड़ के पीछे। और गाइस ये पावर सिमिलर है 1.3 के अपडेट में आए हुए रिदम हीरो सोनिक पावर की तरह। लेकिन गाइस इसकी जो रेंज है ना सोनिक पावर से ज्यादा है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है, यानी कि कुछ सेकंड के अंदर ये जो ब्लू जोन है आपका गायब हो जाता है। तो गाइस ये थी मेगा गॉडजिला की पावर। तो चलो गाइस अब देखते हैं कॉन्ग की पावर। तो गाइस अभी आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर के क्रिस्टल, तो गाइस यहाँ से अभी कॉन्ग गुजरा है और गाइस इनको गिराते हुए गया है। और गाइस ये पावर काफी ज्यादा कमाल की है। तो गाइस जैसे आप इस पावर को यूज करोगे आपका जो प्लेयर है काफी फास्ट भागने लगेगा और गाइस लॉन्ग जंप भी करने लग जाएगा, यानी कि गाइस इस पावर को यूज करने के बाद आप एकदम ग्रेविटी लेस फील कर सकते हो जैसा कि मूवी के अंदर दिखाया गया है। फिलहाल के लिए इस स्क्रीन रिकॉर्ड के अंदर तो कोई भी मतलब जंप नहीं की गई थी, लेकिन इस मोड के अंदर आप लॉन्ग जंप ले सकते हो इस पावर को यूज करने के बाद। तो गाइस ये था कॉन्ग मोड के पावर क्रिस्टल। तो चलो गाइस अब गॉडजिला मोड के पावर क्रिस्टल भी देख लेते हैं। तो गाइस गॉडजिला मोड के अंदर आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये जो क्रिस्टल है ना थ्रोएबल आइटम के साथ में आएगा, यानी कि आप इसे थ्रो कर सकते हो। और गाइस इस पावर को यूज ले सकते हो आप नेट की तरह, यानी कि आप जैसे इसको फेंकोगे गाइस तो ये नेट की तरह ब्लास्ट होगा। और हाँ गाइस यार इससे आप एनिमी को नॉक कर सकते हो, किल कर सकते हो, डैमेज भी देख सकते हो। तो गाइस ये जो क्रिस्टल है हमें इरेंगल मैप के अंदर यानी कि गॉडजिला के साथ में देखने को मिलेंगे। तो गाइस यार आप सभी ने तीनों पावर्स देख लियोगे, तीनों के अलग अलग यूज होने वाले हैं। और गाइस इन तीनों पावर में आपको सबसे बेस्ट पावर कौन सी लगी कमेंट में बताना गाइस मुझे। इसके अलावा गाइस इरेंगल मैप के अंदर यहाँ पर हमें हॉट एयर बलून भी देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कोप आरबी, यानी कि एक न्यू व्हीकल है, इसका नाम ही कोप आरबी है गाइस। तो गाइस ये जो न्यू व्हीकल है शायद यार 1.4 के अंदर आ सकती है, लेकिन जो पिछले मैंने आपको जितने भी फीचर दिखाए वो तो 100% आएंगे, लेकिन यार इसका अभी तक कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गाइस अभी तो बीटा वर्जन के अंदर आई है जस्ट, और इतनी जल्दी मतलब ग्लोबल वर्जन के अंदर आने के चांसेस तो नहीं लग रहे, लेकिन यार कुछ परसेंट चांसेस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.4 के अंदर आ भी सकती है और नहीं भी। लेकिन गाइस इसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो तो है 160, लेकिन गाइस आप बूस्ट लगाकर चलाते हो तो गाइस आप इसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हो। लेकिन गाइस ये 2-सीटर व्हीकल होने वाली है। इसके अलावा इसकी जो हैंडलिंग है ना गाइस वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो गाइस ये न्यू व्हीकल आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मुझे गाइस। तो गाइस अब जो नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेम फॉर पीस बीटा वर्जन के हैं, और गाइस मेरे ख्याल से वो जो अपडेट है ना ग्लोबल वर्जन के अंदर आएंगे 4th एनिवर्सरी तक,
यानी कि गाइस पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन की 4th एनिवर्सरी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको अमेजिंग अपडेट दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस गेम फॉर पीस के अंदर एक न्यू मोड आया है जिसे आप स्पेस स्टेशन मोड भी कह सकते हो या फिर एयरशिप मोड भी कह सकते हो। और गाइस इस मोड के अंदर आप बहुत सारी फन एक्टिविटीज कर सकते हो। तो गाइस ये जो वीडियो हमारे साथ सुबह गेम ने शेयर किया, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो गाइस एक्सप्लोर करते हैं इस न्यू मोड को। तो गाइस सबसे पहले आप जैसे ही लॉबी के अंदर एंटर करोगे तो गाइस आपको एक बहुत ही बड़ा एयरशिप देखने को मिलेगा, जैसे कि एवेंजर मूवी के अंदर दिखाया जाता है। तो गाइस ये जो एयरशिप है ना, पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन की 2nd एनिवर्सरी का, यानी कि यहाँ पर 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मोड के अंदर। तो गाइस मेरे ख्याल से हमारे ग्लोबल वर्जन के अंदर 4th एनिवर्सरी में आ सकता है कुछ ऐसा मोड। तो गाइस क्लासिक मैच के अंदर एंटर होने के बाद आपको लॉबी में जो एयरशिप देखने को मिला था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा एयरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लैंड करने वाले हैं, यहाँ पर आपको 2 से 3 एयरशिप देखने को मिल सकते हैं और गाइस इसके अंदर काफी ज्यादा फन एक्टिविटीज होने वाली जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो गाइस इस एयरशिप में लैंड करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे म्यूजिक स्टेशन, वाटर पार्क, काफी सारी फन एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर एक एक करके आपको सारी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले देखो यहाँ पर एक म्यूजिक स्टेशन है, यहाँ पर अभी हल्का सा म्यूजिक बज रहा है। और गाइस बीच में आपको देखो यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स के अंदर से आप लूट कर सकते हो। और गाइस इस पे खड़े होने के बाद आप राउंड राउंड चक्कर मारने लगोगे और गाइस यहाँ पर आप डांस भी कर सकते हो बिकॉज आपके पास एक बटन आएगा। और गाइस इसी से सिमिलर एक और मतलब म्यूजिक स्टेशन है, इसके अंदर जाने के बाद आप एकदम ग्रेविटी लेस हो जाओगे और गाइस आप इसकी मदद से ऊपर भी जा सकते हो। गाइस इसके अंदर एंटर होते ही आपके पास 2 बटन आते हैं, एक ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का है। और गाइस ऊपर आप देख सकते हो एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खड़े होकर आप डांस कर सकते हो। तो गाइस ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और नीचे की तरफ आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको लूट मिलेगी, लूट में गाइस कुछ भी मिल सकता है, आर्मर गन वगैरह। और गाइस इस सर्कल में जाने के बाद आपको जो प्लेयर है ऑटोमेटिक डांस करेगा। इसके बाद में गाइस एक और म्यूजिक स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म आता है जिसके ऊपर आप जैसे ही खड़े होते हो तो गाइस यहाँ पर एक ट्यून बजती है गाइस। तो गाइस आप अपने स्क्वाड के साथ में यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर सकते हो किसी भी तरह का। तो गाइस हर एक बटन पर अलग अलग ट्यून सेट की गई है। अब गाइस नेक्स्ट में यहाँ पर काफी बड़ा वाटर पार्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पर काफी सारे रूम्स वगैरह भी है जहाँ पर आप लूट कर सकते हो। तो गाइस चलो आप इसके करीब चलकर देखते हैं। तो गाइस इस वाटर पूल के अंदर कुछ छोटी छोटी सी पाइपलाइन फिक्स की गई, जैसे आप इसके ऊपर जाते हो तो गाइस आपका प्लेयर हवा में उछल जाता है। तो गाइस ये काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर इसी वाटर पार्क के अंदर एक बहुत ही कमाल का वाटरफॉल ऐड किया गया है और गाइस ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज ये ग्रेविटी के उल्टा काम करता है। जैसे कि गाइस अभी आपने देखा हमारा जो प्लेयर है वाटरफॉल में तैर कर ऊपर की तरफ आ चुका है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमें एक बहुत ही छोटा सा एयरशिप भी देखने को मिलता है जो कि हमें इसी बड़े वाले एयरशिप से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो गाइस ये जो बड़ा वाला एयरशिप है ना, इसके अंदर काफी सारी फन एक्टिविटीज है जो कि मैं आपको अभी तक दिखा नहीं पाया हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो, तो जिसके अंदर मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा गाइस। अब गाइस इतने नहीं, इस मोड के 2 मेन फीचर और भी हैं जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाए हैं, तो चलो गाइस वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो गाइस एयरशिप से नीचे कूदने के बाद आपको यहाँ पर इरेंगल मैप के अंदर जगह जगह पर कुछ इस टाइप के रॉकेट देखने को मिलेंगे। इस रॉकेट के ऊपर कुछ सीढ़ी टाइप लगी रहेगी जिसकी मदद से आप ऊपर जा सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको एक सीटिंग का बटन आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपकी पूरी स्क्वाड भी बैठ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही प्लेयर है तो आप सिंपली यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस यार क्लिक करने के बाद ये रॉकेट यहाँ पर स्टार्ट होगा और सीधा जाने वाला है स्पेस के अंदर। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको वॉइस के साथ ये सुना देता हूँ। तो भाई साहब चांद पे लेके जा रहे हैं सच्ची में ये चांद पे लेके जा रहे हैं मुझे। व्हाट भाई एस्ट्रोनॉट के कपड़े दे दिए मेरे को। भाई किधर जा रहा है? मारा को दी। व्हाट हेलो भाई क्या होने वाला है? लाइक व्हाट द हेल, क्या 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 भाई कुछ आइडिया नहीं है क्या चीज है। ओके है या नहीं, या नहीं हो रहा है जैसे रंग बदल। ओ गाइस ये है क्या भाई कहाँ पे लेके ओके तो कुछ यू नो लाइक फ्लैशबैक ऐसे कुछ तो आई गेस। ओ या फ्लैश
स्लीपर में लेके जा रहा है, कुछ तो पुरानी चीज है ताज़ा। और ये रही कोई रैंगा 2.0 की आई थी, कुछ तो स्लीपी वहाँ पे थी, उसके बाद ये कुछ तो सेकेंड एनिवर्सरी दे यू गो मैन। सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आई गेस। ओके तो गाइस यार पूरे स्पेस ट्रेवल करने के बाद आपका जो प्लेयर है नॉर्मली मतलब ऑटोमेटिक ही जो इरेंगल मैप के अंदर वापस से लौट जाता है। तो चलो गाइस अब नेक्स्ट एक और जो फीचर है वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है ये। तो गाइस ये एक पोर्टेबल एयरशिप है जिसके अंदर 8 लोग बैठ सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसके अंदर 8 लोग बैठ सकते हैं। तो गाइस ये एयरशिप भी आपको इसी मोड के अंदर मिलेगी, लेकिन इस एयरशिप को आप उड़ा भी सकते हो, वो भी अलग से अपने आप। और गाइस ये जो एयरशिप है ना आपको पूरे इरेंगल मैप के अंदर रैंडमली स्पॉट, लेकिन गाइस इसका जो नंबर ऑफ स्पाउनर है वो कम रहने वाला है, यानी कि हमें इरेंगल मैप के अंदर बहुत ही कम लोकेशन पर और बहुत ही कम व्हीकल ऐसे मिलने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि हमें पेलोड मोड के अंदर हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं वैसे ही आप इसे उड़ा सकते हो, लेकिन यार हेलीकॉप्टर के मुकाबले बहुत ही तेज उड़ता है बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक एयरशिप होने वाला है। अब गाइस इसके साथ में एक बूस्ट का बटन भी है जिसकी मदद से आप इसकी स्पीड 2 गुना कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस एयरशिप को बगैर बूस्ट के चलाते हो तो गाइस इसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, लेकिन गाइस अगर आप इसे बूस्ट के साथ चलाते हो तो गाइस 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा स्पीड में ये उड़ रहा है। तो गाइस अगर आप इस मोड के ऊपर पूरी जानकारी चाहते हो तो गाइस नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पर सारी